सूरज हमारे पृथ्वी के नजदीकी एकमात्र तारा जो हमारी पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इतनी दूरी से सूरज की रोशनी को भी पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। मतलब जो आकृति सूरज की रोजाना हम अपने घरों से देखते हैं वह असल में 8 मिनट पुरानी होती है। सूरज इतना बड़ा और विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी आसानी से समा सकती है। हमारी पृथ्वी और सौर मंडल में घूम रहे सभी ग्रह सूरज का ही चक्कर लगाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल का टोटल मास का 99.86% सूरज के अंदर समाया हुआ है। बाकी बचे सभी ग्रह एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट का मास मिलाकर 0.14% होता है। इसलिए सूरज को सौर मंडल का दिल भी माना जाता है। हम मानवों ने सौर मंडल के सभी ग्रहों मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर कई मिशन कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी से 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्लूटो को भी हमने करीबी से देखा है। पूरे सौर मंडल में सिर्फ सूरज ही एकमात्र स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसे आज तक हम करीबी से नहीं देख पाए हैं, क्योंकि किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसके करीब जाना होता है। लेकिन दोस्तों, सूरज के करीब जाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सूरज से निकलने वाली तेज गर्मी और रेडिएशन किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अपने नज़दीक नहीं आने देगी। इसी चुनौती का जवाब देने के लिए नासा ने 2018 में सूरज तक जाने के मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम था द पार्कर सोलर प्रोब। और आज की वीडियो में हम इसी मिशन की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब के कंसेप्ट को 1958 में यूएस की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की 8 कमेटी के द्वारा खोजा जा चुका था, जिसमें कई मिशंस को शामिल किया गया था। लेकिन उस समय कम बजट के कारण वे सभी मिशंस को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन 1990 में कम बजट में होने वाले सोलर ऑर्बिटर मिशन के तहत OPSP के प्रोग्राम के कंसेप्ट को सामने रखा गया। OPSP यानी आउटर प्लैनेट सोलर प्रोब। इस प्रोग्राम में 3 मिशन्स को शामिल किया गया था, जिसमें पहला था द सोलर ऑर्बिटर मिशन, दूसरा द प्लूटो क्विपर एक्सप्रेस और तीसरा यूरोपा ऑर्बिटर मिशन। पर 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बजट के अंतर्गत US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की रिक्वेस्ट पर इस पूरे मिशन को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन सोलर प्रोब के इस मिशन के कंसेप्ट को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सका और 2010 में OPSP के सोलर प्रोब मिशन को एक बार फिर से रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया और इस मिशन का नाम बदलकर सोलर प्रोब प्लस रखा गया। और फाइनली इतनी सारी अड़चनों के बाद सोलर प्रोब मिशन को आखिरकार ग्रीन सिग्नल मिल गया और फिर शुरुआत हुई सूरज को छूने के मिशन की। करीब 7 साल के लंबे समय के बाद मई 2017 में इस मिशन की तैयारी पूरी हुई, जिसको तैयार करने में करीब $1.5 बिलियन की लागत लग गई थी, जिसे 12 अगस्त 2018 में Delta IV हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस मिशन को लॉन्च करने का असली मकसद सूरज के कोरोना की पढ़ाई करना था। दोस्तों, सूरज के कोरोना की पढ़ाई करने का रीजन नासा के फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजीनी न्यूमैन पार्कर की एक थ्योरी है। यूजीनी पार्कर ने 1950 के दशक में सुपरसोनिक सोलर विंड्स की थ्योरी और आउटर सोलर सिस्टम में फैली सूरज की सोलर मैग्नेटिक स्पाइरल शेप की थ्योरी सामने रखी थी, जिसमें बताया गया कि सूरज लगातार अपने ऊपरी वातावरण से चार्ज आयन पार्टिकल को रिलीज करता है। सूरज के इस ऊपरी वातावरण को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो है कोरोना। यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन, यानी सर का ताज। कोरोना सूरज की 3 लेयर्स में सबसे ऊपरी लेयर को कहा जाता है, जो प्लाज्मा ऑरा से पूरी तरह घिरा हुआ होता है। सूरज के वातावरण को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, जो है फोटोस्फेयर, दूसरा क्रोमोस्फेयर और तीसरा कोरोना। तीनों लेयर का टेम्परेचर एक दूसरे से काफी अलग है। फोटोस्फेयर में हीट टेम्परेचर करीब 10,000 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और क्रोमोस्फेयर में करीब 18 से 20,000 तक। लेकिन दोस्तों, कोरोना का टेम्परेचर इन दोनों लेयर के मुकाबले करीब 20 लाख डिग्री से लेकर 2 करोड़ डिग्री तक चला जाता है। वैज्ञानिक आज भी कोरोना के इतने ज्यादा बढ़ते टेम्परेचर के कारण को समझ नहीं पाई है। लेकिन यूजीनी पार्कर की सूरज से जुड़ी इतनी सारी खोजों, इंटरेस्ट और उनके सूरज के प्रति योगदान के चलते नासा ने उनके सम्मान में इस प्रोब का नाम पार्कर सोलर प्रोब रख दिया था। दोस्तों, मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी जीवित इंसान के नाम पर किसी स्पेस प्रोब का नाम रखा गया है। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब का मिशन ड्यूरेशन करीब 7 सालों का रखा गया है, जिसमें वह सूरज को करीब 24 बार ऑर्बिट करेगा और अपने हर ऑर्बिट पर वह सूरज के और नजदीक जाता जाएगा,
नासा का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब अपने लास्ट ऑर्बिट पीरियड में सूरज से केवल 60 लाख किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा, यानी उस समय पार्कर सोलर प्रोब सूरज के कोरोना के अंदर होगा। ये मानव इतिहास में पहली बार होगा जब इंसानों द्वारा बनाया स्पेस ऑब्जेक्ट सूरज के इतना नजदीक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज से निकलने वाली इतनी तेज गर्मी और सोलर रेडिएशन का सामना कैसे कर पाएगा। वेल, नासा ने सूरज की तेज गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए सोलर प्रोब को बेहद ही खास तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें आगे की तरफ वाइट सोलर हीट शील्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो करीब 8 फीट लंबी और 4.5 इंच मोटी कार्बन से बनी है, जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर आसानी से झेल सकती है। सोलर प्रोब के बाकी के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोब के सेंटर में मौजूद हैं, जो सोलर शील्ड से पूरी तरह ढके हुए, जो सूरज की तेज गर्मी और सीधे आती हुई रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित है। पार्कर सोलर प्रोब में 4 लाइट सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनका काम सोलर शील्ड की पोजीशन को सही रखना होगा, क्योंकि अगर हम सोलर प्रोब को पृथ्वी से कंट्रोल करेंगे तो रेडियो सिग्नल्स के द्वारा भेजे गए कोई भी कमांड को सोलर प्रोब तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगेगा, और ऐसे में सोलर शील्ड कुछ सेकंड्स के लिए भी गलत डायरेक्शन की ओर मुड़ जाए तो कुछ 10 सेकंड के अंदर ही सूरज से आने वाली रेडिएशन प्रोब के सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह डैमेज कर देंगी। इसलिए इन लाइट सेंसर्स के जरिए पार्कर सोलर प्रोब खुद को सूरज की रेडिएशन और गर्मी से बचाए रखेगा। और अब पार्कर सोलर प्रोब सूरज की कोरोना की तेज गर्मी और रेडिएशन के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां प्रोब सूरज को ऑर्बिट करने के लिए वीनस की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करेगा, और अपने हर ऑर्बिट साइकिल से पार्कर सोलर प्रोब अपने मेन मकसद कोरोना की पढ़ाई करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि सूरज की सतह और कोरोना के टेम्परेचर में इतना ज्यादा अंतर क्यों है, जबकि सूरज की सतह का टेम्परेचर केवल 10,000 डिग्री सेल्सियस है और वहीं कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। यही अंतर जानने के लिए सोलर प्रोब को सूरज तक भेजा गया है। लॉन्च के 2 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 2018 को पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस का पहला फ्लाईबैक कंप्लीट किया, और 8 नवंबर 2018 को सोलर प्रोब में लगे कैमरे से 27 मिलियन किलोमीटर की दूरी से यह तस्वीर ली गई, जिसमें यह वाइट डॉट मर्क्यूरी प्लैनेट है और ऊपर की साइड यह वाइट वेव सूरज से निकलने वाली कोरोनल प्लाज्मा स्ट्रीमर है। इस तस्वीर को लेने के एक हफ्ते बाद पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज से अपना पहला फ्लाईबाय कंप्लीट किया, और अप्रैल 2019 में सोलर प्रोब ने अपनी दूसरी सोलर फ्लाईबाय कंप्लीट की, जिससे हमें सूरज की कॉस्मिक डस्ट फ्री जोन के बारे में पता लगा। और दिसंबर 2019 में यह शोध सामने आई कि सूरज के वातावरण से 5.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक डस्ट फ्री जोन है, मतलब यहाँ कोई भी कॉस्मिक डस्ट मौजूद नहीं है। दोस्तों, कॉस्मिक डस्ट को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के वातावरण की अपनी धूल होती है, वैसे ही स्पेस की अपनी कॉस्मिक डस्ट होती है। जैसे इमेज को देखें, इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये कॉस्मिक डस्ट के कारण बनती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डस्ट फ्री जोन सूरज की जला देने वाली गर्मी और सोलर विंड्स के कारण बनी है, जो इन धूल को पूरी तरह भस्म कर देती है। ये सोलर विंड्स इतनी खतरनाक है कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स को बेजान बनाने का कारण भी सूरज की ये जानलेवा सोलर विंड्स ही हैं। हमारी पृथ्वी लगातार अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इन सोलर विंड्स का सामना करती आ रही है, जिसे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन कुछ सोलर चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के वीक मैग्नेटिक फील्ड की साइड से वातावरण में एंटर कर जाते हैं, जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब ये सोलर विंड्स पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर जाते हैं, तो वे अर्थ के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से टकराकर एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये एनर्जी काफी कलरफुल होती है, इसलिए हमें नॉर्थ और साउथ पोल रीजन में अरोरा लाइट्स देखने को मिलती है। कई बार सोलर विंड्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे हमारे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज हलचल होनी शुरू हो जाती है, जिससे ये चार्ज आयन पार्टिकल सीधा वातावरण में घुसकर हमारे सैटेलाइट्स और ISS को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे बाद में मैनुअली ठीक करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो पृथ्वी का हाल भी वैसा ही होता जैसा वीनस और मार्स का है। इसलिए इस मिशन को करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब अगले 7 सालों तक सूरज के कोरोना, उससे निकल रही सोलर विंड्स और चार्ज आयन पार्टिकल की अच्छे से पढ़ाई करेगा, और आने वाले सालों में हमें सूरज से जुड़े कई राजों का पता लगेगा। तो हमें इंतजार करना होगा 2025 तक का, जब पार्कर सोलर प्रोब अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी का सामना करेगा।
तो दोस्तों पार्कर 16 प्रोब के मिशन में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।